हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हर्डमान्या की एलिमेंट्री कैनाल। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने हर्डमान्या की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको डिटेल में बताया था, उसकी स्ट्रक्चर पूरी बता दी थी कि हर्डमान्या की एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके जो पार्ट हैं, जैसे मैंने उसके पार्ट बताए थे, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका, और क्लोएका में ओपन होती है एनस। तो ये मैंने उसके एलिमेंट्री कैनाल के आपको सारे पार्ट बताए थे। उसके एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो किसका होता है, फेरिंग्स का होता है। तो आज अपन फेरिंग्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फेरिंग्स है, इसके मैंने आपको टू पार्ट्स बताए थे। स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसका, उसको क्या बोलते हैं, प्री ब्रैंकियल जोन, और दूसरा इसका जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ब्रेंकियल सेक। तो दो पार्ट्स हैं फेरिंग्स के। पहला तो था प्री ब्रेंकियल जोन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से जस्ट जुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्री ब्रेंकियल जोन। इसमें मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो प्री ब्रेंकियल जोन है उसके अंदर दो बैंड होते हैं जिनको पेरिफेरेंजियल बैंड बोलते हैं। एक तो होता है एंटीरियर वाला और दूसरा होता है पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड। ये जो पोर्शन होता है इसका प्री ब्रैंकियल जोन वाला, इस जोन में स्टिग्मेटा अब्सेंट रहते हैं, और इसके जो दोनों बैंड होंगे इसके अंदर से जो पोस्ट पेरिफेरेंजियल बैंड होता है उससे डोर्सल साइड में डोर्सल लेमिना जुड़ी हुई होती है और वेंट्रल साइड में इससे एंडोस्टाइल जुड़ी हुई रहती है। और इसका जो एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, डोर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है, और इन दोनों बैंड के बीच के अंदर पेरिफेरेंजियल ग्रूव पाई जाती है। तो ये मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में आपको बताया था। फेरिंग्स है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ब्रेंकियल सेक है। ब्रेंकियल सेक है ये एलिमेंट्री कैनाल का मैक्सिमम एरिया है, उसको घेरे हुए रहता है, और जो हर्डमानिया है उसकी एट्रियल कैविटी में मैक्सिमम स्पेस भी किसका होता है, ब्रेंकियल सेक का ही होता है। ये जो ब्रेंकियल सेक है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहेंगे। इसकी दोनों जो दीवारें हैं उन दोनों साइडों में क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं। हर्डमानिया में लगभग 2 लाख तक स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टिग्मेटा होते हैं इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है इन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। इन सीलिया की वजह से ही एक ऐसा वाटर करंट बनता है कि माउथ से वाटर आता है, बक्कल कैविटी से किस में आएगा, फेरिंग्स में आएगा, और फेरिंग्स से वो वाटर किस में चला जाता है, एट्रियम से होते हुए बाहर चला जाता है। तो वो वाटर करंट कौन बनाता है, ये स्टिग्मेटा के सीलिया ही बनाते हैं। इसके अलावा जो ब्रैंकियल सेक है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बार और ट्रांसवर्स बार्स पाई जाती हैं, जिनकी वजह से क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्टिग्मेटिक एरिया बनता है। एक जो स्टिग्मेटिक एरिया है इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये क्या हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडनल बार, और ये वाली क्या हो गई इसकी ट्रांसवर्स बार। तो ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, एक रेक्टेंगुलर स्टिग्मेटिक एरिया का फॉर्मेशन कर रही है जिसके अंदर 5 से 6 तक स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्मॉल एरिया है, ये वाली जो पोजीशन है इसको दर्शा रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर कितने स्टिग्मेटिक एरिया हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सारे पूरे ब्रेंकियल सेक में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार प्रेजेंट रहेंगी जो एक रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मेशन करती हैं, और एक रेक्टेंगुलर एरिया स्टिग्मेटिक एरिया में 5 से 6 तक स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ब्रेंकियल सेक है उसमें ब्लड वेसल्स का जाल भी पाया जाता है। जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार होती है और ट्रांसवर्स बार होती है इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ट्रांसवर्स वेसल्स और लॉन्गिट्यूडनल वेसल भी प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा यहाँ से वेसल्स स्टिग्मेटा में जाती हैं, तो एक तो क्या है
स्टिगमेटा के बीच में जो वेसल प्रेजेंट रहेंगी उनको अपन कह देंगे इंटरस्टिगमेटिक वेसल। और दूसरी कौन सी होती है, स्टिगमेटा के बीच में से जो वेसल्स जा रही हैं वो कौन सी हो गई, इंट्रा स्टिगमेटिक वेसल। अब अपन इसका और डिटेल डायग्राम देखें जिसके अंदर अपने को स्टिगमेटा है उनके सीलिया भी दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या है, वन स्टिगमेटिक एरिया एनलार्ज्ड टू व्यू सीलिएशन। तो यहाँ पे पूरा डिटेल डायग्राम दिखाया गया है जिसमें स्टिग्मेटा है उसकी एपिथीलिया दिख रही है और उस एपिथीलिया में क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लाइनिंग है ये क्या हो गई, सीलिएटेड एपिथीलियम की स्टिग्मेटा है। इसमें एक साइड में क्या है, ट्रांसवर्स वेसल्स हैं और इन स्टिग्मेटा के बीच बीच में जो वेसल्स प्रेजेंट हैं वो कौन सी हो गई, इंटर स्टिग्मेटिक वेसल। और बिल्कुल इनके मिड में से जो जाती हैं वो वेसल कौन सी हो गई, इंट्रा स्टिग्मेटिक वेसल्स। और यहाँ पे बड़ी अगर बार अपन बना दें ये वाली, पूरा इसको ब्लो कर दें, तो ये हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेसल। तो ये पूरा डायग्राम है किसका, इसके ब्रैंकियल सैक के स्टिग्मेटा वाले रीजन का। नेक्स्ट जो ब्रैंकियल सैक है इसमें स्टिग्मेटा के अलावा और कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्रेबिक्यूली। जैसे ब्रैंकियल सैक है उसके इंटरनल लाइनिंग जो होती है उससे अनेक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स निकलते हैं जिनको ब्रैंकियल फोल्ड कहते हैं। ये क्या करते हैं, इस ब्रैंकियल सैक है इसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। इन फोल्ड्स पर किसी भी तरह के सीलिया नहीं पाए जाते। इसके अलावा ब्रैंकियल सैक का जो एक्सटर्नल सरफेस है उससे क्या निकले हुए रहते हैं, ट्रेबिक्यूली निकले हुए रहते हैं। ये ट्रेबिक्यूली क्या करते हैं, इस ब्रैंकियल सैक को मेंटल से जोड़ने का कार्य करते हैं। थर्ड है इसके अंदर डोर्सल लेमिना। तो इसका जो डोर्सल लेमिना है इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखो, तो डोर्सल लेमिना है कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये ब्रेंकियल सेक के डोर्सल में, डोर्सल साइड में पोस्टीरियर पेरिंजियल बैंड से लेकर ईसोफेगस तक फैली रहती है। तो ये डोर्सल लेमिना है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इससे क्या निकले हुए रहते हैं, लिंग्वेट्स निकले हुए रहते हैं। और इन लिंग्वेट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारे के सारे राइट साइड में मुड़े हुए रहेंगे। और जो लिक्विड्स होते हैं इनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। हर लिंग्वेट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। तो स्ट्रक्चर देखने पर अपने को डोर्सल लेमिना की ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ब्रेंकियल सैक जो पूरी ऐसी स्ट्रक्चर, थेलेनुमा स्ट्रक्चर या बास्किट नुमा स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, उसके डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट रहेगी रूफ वाले एरिया में।
इस डोर से लेमिना से क्या निकले हुए रहते हैं? लैंग्वेट्स निकले हुए रहते हैं। इसकी एपिथीलियम क्या तिथि होती है? सीलिएटेड होगी। और सारे के सारे जो लैंग्वेट्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है? राइट साइड में होती है। और सारे के सारे क्या बनाते हैं? एक ऐसा पास बनाते हैं जिसकी वजह से फूड है वो किस साइड में जाएगा? ईसोफेगस की साइड में जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल है ब्रेंकियल सैक के फर्स्ट पे, फर्स्ट वाले हिस्से पे प्रेजेंट रहती है, फ्लोर वाले हिस्से पे प्रेजेंट रहती है। ये क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट रहेगी? पोस्टीरियर पेरी पेरिंजियल बैंड से लेकर ईसोफेगस तक फैली हुई रहती है। तो ये जो एंडोस्टाइल होती है इसके अंदर फाइव लाइंस होती हैं, वो सीलिएटेड एपिथीलिया की होती हैं, और उनके बीच में अल्टरनेट रूप में क्या प्रेजेंट रहती हैं? ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो किसका सिक्रेशन करेंगी? म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। अगर अपन स्ट्रक्चर देखें इसकी, तो ये क्या है? एक एंडोस्टाइल का डायग्राम है जिसके अंदर ये पांच क्या हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल सीलिया के एरियाज हो गए, जिनमें से मीडियन वाला जो है उसके सीलिया क्या है? सबसे लंबे होते हैं। और बीच बीच में क्या है इसके अंदर? ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंडुलर सेल्स क्या करती हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो ये है इसकी ग्लैंडुलर एपिथीलिया। सीलिएटेड एपिथीलिया मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया ब्लड साइनसेस। तो ये डायग्राम है किसका? एंडो स्टाइल का, जिसके अंदर क्या है? पांच इसमें लॉन्गिट्यूडनल सीलिया वाले एरियाज हैं, जिसमें से मीडियन वाले के सीलिया क्या है? सबसे लंबे होते हैं। और साइड में क्या होते हैं? दो और हैं जिनके सीलिया क्या है? मीडियन वाले की तुलना में छोटे होते हैं। और बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इसमें ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती है, जिसकी सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आगे है ईसोफेजियल एरिया। ये एरिया ईसोफेगस के आसपास का एरिया है, जहाँ पे किसी भी तरह का स्टिग्मेटा, ब्लड वेसल्स वगैरह, सीलिया वगैरह अब्सेंट रहते हैं। तो ये पूरी फेरिंग्स के बारे में था। तो एग्जाम में आपसे फेरिंग्स पर अलग से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको फेरिंग्स है ये अलग से इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट अपन इसमें अब करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की मैंने पूरी आपको स्ट्रक्चर बता दी।
डाइजेस्टिव सिस्टम के मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत अपन एलिमेंट्री केनाल की स्टडी करते हैं और उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड की स्टडी करते हैं। तो इसमें सेकेंड अपन ना करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। हर्डमानिया के अंदर दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, एक तो होती है इसके अंदर लीवर और दूसरा होता है इसके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्री केनाल की स्ट्रक्चर के अंदर ही बताया था। इसका लीवर है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। लीवर के दो लोब प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, जो स्टमक है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं। लेफ्ट लोब है ये लार्ज होता है और राइट लोब है ये स्मॉल होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्टमक के दोनों साइडों में प्रेजेंट रहेगा। तो इससे जो भी डक्ट्स निकलती हैं वो एक सिंगल डक्ट के द्वारा किसके अंदर ओपन होती है? स्टमक के अंदर ओपन होती हैं। और स्टमक के अंदर ओपन होती है तो लीवर से क्या सिक्रेट किए जाते हैं? एंजाइम्स सिक्रेट किए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। सेकेंड, इसके अंदर जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पाइलोरिक ग्लैंड है। ये पाइलोरिक ग्लैंड है ये स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में प्रेजेंट रहती हैं। इन ये क्या करती हैं? बहुत सारी ब्रांचेस से मिलकर बनी हुई होती हैं और फिर एक सिंगल ब्रांच के थ्रू किसके अंदर ओपन होती हैं? जो इंटेस्टाइन है उसके असेंडिंग लिंब के अंदर ये ओपन होती हैं। और ये अपने एंजाइम्स हैं कहाँ पहुंचा देगी? इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाती है जहाँ पे फाइनली फूड का आगे डाइजेशन होता है। और ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये वर्टिब्रेट के पेनक्रियास के होमोलोगस ऑर्गन माना जाता है। और जो अपन ने एंडोस्टाइल अभी पढ़ी थी वो एंडोस्टाइल है वो वर्टिब्रेट के थायरॉइड ग्लैंड के होमोलोगस ऑर्गन है या संजात अंग है। तो ये एंडोस्टाइल के बारे में तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि हर्डमानिया के जो एंडोस्टाइल है वो वर्टिब्रेट के किस ऑर्गन के संजात अंग है? तो किसके होगा? थायरॉइड ग्लैंड के। और जो पाइलोरिक ग्लैंड है उसको माना जाता है कि ये वर्टिब्रेट के पेनक्रियास के होमोलोगस ऑर्गन है। तो ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे कि हर्डमानिया है इसका फूड क्या होता है, किस तरह से ये फीडिंग करता है और आगे उस फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री केनाल में कैसे होता है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो फूड जो हर्डमानिया है ये क्या है? सेडेंट्री एनिमल है। सेडेंट्री एनिमल है। इसके अंदर जो फीडिंग है ये किस तरह से करता है? ये क्या है? सीलियरी या फिल्टर फीडर है। अब ये सीलियरी या फिल्टर फीडर है तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म ही भोजन के रूप में यूज में ले सकता है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि एल्गी, डायटम्स एक्सेट्रा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनको ये फूड के रूप में यूज में लेता है।
नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड है फीडिंग। तो फीडिंग की मैकेनिज्म अपने को देखनी है, तो फिर से अपन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देखेंगे और उसके थ्रू अपने को समझ में आएगा कि ये फीडिंग कैसे करता है। तो मैं एक रफली डायग्राम बना देती हूँ आपको एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल का रफ डायग्राम है, जिसके अंदर ये वाला रीजन क्या है इसका, माउथ वाला या ब्रेंकियल अपर्चर हो गया, ये इसका ब्रेंकियल साइफन और ये इसका एट्रियल साइफन।
ये इसका बक्कल कैविटी वाला रीजन, ये इसका ब्रेंकियल सेक या फेरिंग्स वाला रीजन, चारों तरफ क्या है एंडोस्टाइल, ये इसकी एट्रियल केविटी, ये इसकी इसोफेगस, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और ये रेक्टम, ये इसका लेफ्ट गोनेड, ये एनस और ये वाला रीजन क्लोएका। ये मैंने आपको इसका रफ डायग्राम बताया है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया इसका, डोर्सल लेमिना वाला। तो इसकी फीडिंग मैकेनिज्म समझने के लिए मैंने आपको ये रफ डायग्राम बना के दिखाया है। तो फीडिंग मैकेनिज्म है, उसके अंदर क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, इसके ब्रेंकियल सैक में क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं। उन स्टिग्मेटा के एपिथीलिया पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। उन सीलिया की बीटिंग मूवमेंट की वजह से एक ऐसा वाटर करंट उत्पन्न होता है जिसकी वजह से वाटर क्या है इस माउथ के थ्रू कहाँ प्रेजेंट एंटर करता है, इस बकल कैविटी में एंटर करता है। अब इस बकल कैविटी में अगर वाटर आ रहा है तो वाटर के साथ में क्या आएंगे, फूड पार्टिकल्स भी आते हैं। तो ये फूड पार्टिकल्स भी बक्कल कैविटी के अंदर एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे तो मैंने आपको बताया है इसकी बक्कल कैविटी है, इसके अंदर आगे के साइड में ब्रेंकियल स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रेंकियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं, इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने, 64 बताई थी, जो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइप के होते हैं। तो ये जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स है ये एक छलनी जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो तो छन के अंदर की तरफ चले जाते हैं, और जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं यहीं से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब जो माइन्यूट फूड पार्टिकल्स हैं वो बक्कल कैविटी से किसके अंदर एंटर होते हैं, इस फेरिंग्स वाले रीजन में। तो फेरिंग्स वाले रीजन में ये वाला रीजन मैंने आपको बताया था प्री ब्रेंकियल जोन है, और बाद वाला पूरा रीजन है वो किसका है, ब्रेंकियल सेक का रीजन है। तो यहां से फूड पार्टिकल है वो ब्रेंकियल सेक में आए, ब्रेंकियल सेक में क्या प्रेजेंट है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, जिसके मैंने आपको बताए थे कि इसमें सीलिएटेड एपिथीलिया प्रेजेंट होती है, और उनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट ग्लैंडुलर एपिथीलिया। तो एंडोस्टाइल की जो ग्लैंडुलर एपिथीलिया है वो किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इस म्यूकस के साथ में ये फूड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इस एंडोस्टाइल के मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया के मूवमेंट की वजह से ये फूड है वो कहाँ पहुंच जाता है, इस डोर्सल लेमिना के पास में पहुंच जाएगा। और जो वाटर करंट आया है, जो सीलिया के इन स्टिग्मेटा के सीलिया के मूवमेंट की वजह से जो वाटर अंदर आया है, वो सारा का सारा वाटर है एट्रियल केविटी में आके एट्रियल साइफन के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन फूड पार्टिकल्स कहाँ चले गए, इस डोर्सल लेमिना के पास। अब जो डोर्सल लेमिना है उस पे क्या प्रेजेंट है, लैंग्वेट्स प्रेजेंट है, और इन लैंग्वेट्स की डायरेक्शन क्या थी, राइट साइड में। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आने के बाद में इनके सीलिया के मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल हैं वो एक कॉर्ड के रूप में हो जाते हैं वहां, जिसकी वजह से ये फूड है वो किसके अंदर चला जाएगा, इसोफेगस के अंदर। तो इनकी राइट डायरेक्शन क्यों होती है, ताकि फूड है वो इजीली कहाँ पहुंच सके, इसोफेगस के अंदर पहुंच सके। ईसोफेगस में फूड चला गया, तो ये मैकेनिज्म पूरी क्या हो गई इसके, फीडिंग की। तो फीडिंग इसने कैसे की, ब्रेंकियल सैक के स्टिग्मेटा के सीलिया की वजह से, सीलिया के मूवमेंट की वजह से वाटर करंट बना, वो वाटर करंट माउथ के थ्रू आया,
और उस वाटर के साथ में क्या है, फूड पार्टिकल्स है। स्मॉल फूड पार्टिकल्स ब्रैंकियल सैक के अंदर आ गए और लार्ज फूड पार्टिकल है उनको बक्कल कैविटी से ही बाहर निकाल दिया गया। ब्रैंकियल सैक में आने के बाद में एंडोस्टाइल के जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं उन्होंने म्यूकस सिक्रेट किया और एंडोस्टाइल का जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया है उसके मूवमेंट की वजह से वो फूड पार्टिकल्स कहाँ पहुंच गए, ब्रैंकियल सैक के रूफ की साइड में जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना के लैंग्वेट्स के वजह से फूड है वो एक कॉर्ड के रूप में बन गया और वो फूड कॉर्ड कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है, ईसोफेगस के अंदर। तो ये हो गई इसकी फीडिंग मैकेनिज्म। थर्ड है इसके डाइजेशन। तो इसका डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन के लिए इसके अंदर मैंने आपको दो ग्लैंड बताई थी, एक तो लीवर और दूसरी थी पाइलोरिक ग्लैंड। लीवर के दो लोब हैं राइट और लेफ्ट वाले। अब लीवर है उसकी डक्ट किसके अंदर ओपन होती है, स्टमक के अंदर ओपन होती है और लीवर है उसके अंदर एमाइलेज प्रोटीज और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करते हैं। तो एमाइलेज प्रोटीज और लाइपेज हैं किसका डाइजेशन करेंगे, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करेगा, प्रोटीज प्रोटीन का करेगा और लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। यहाँ से फूड है वो इंटेस्टाइन में जाता है। तो पाइलोरिक ग्लैंड है वो स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में प्रेजेंट रहती है और एक कॉमन डक्ट के थ्रू वो किस में ओपन होती है, इंटेस्टाइन की असेंडिंग लिम्ब के अंदर ओपन होती है जहां पे फिर से फूड का डाइजेशन किया जाता है। अब फूड का डाइजेशन होने के बाद में डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम से एनस के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा, क्लोएका के अंदर। क्लोएका से ये एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और इसका स्टोर्ड फूड है वो लीवर स्टमक और इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल के अंदर स्टोर रहता है। तो ये पूरा का पूरा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में और इसके अंदर फूड फीडिंग और डाइजेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हर्ड मानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए, तो उसके अंदर आपको ये पूरा बता के आना है। स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।